राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में वर्चुअल एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। इस दौरान जनपद के 67 आपदा मित्र एवं 33 आपदा सखी ने प्रतिभाग किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के 17वां स्थापना दिवस था, जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में यूपी से 2 जनपद गोरखपुर और बलिया वर्चुअल जुड़े थे। एडीएम फाइनेंस ने कहा कि 2021 बाढ़ और कोविड-19 आपदा में कार्य करने वाले 52 आपदा मित्र और 23 आपदा सखियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर एनडीआरएफ के डीपी चंद्रा, एसडीआरएफ के अजय त्रिपाठी, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा सखियों एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, बीएसके कौमुदी जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि राष्ट्रगान के लिए आप अपने होती है। हम मंच पर आसीन मुख्य अतिथि सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव श्री कौमुदी जी, संजीव कुमार जी, सदस्य एनडीए में यहाँ पर उपस्थित एनडीए के सभी सदस्यगण, श्री कमल किशोर जी, लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ हुसैन जी, राजेंद्र सिंह जी, श्री कृष्ण एस वत्स जी, और आज वर्चुअल तरीके से पूरे देश भर के घर से आपदा प्रबंधन के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर एनडीएमए के 17वें स्थापना दिन के मौके पर एकत्रित आए हैं। मुझे बताया गया कि आज आपने माननीय क्षेत्र के अंदर आपदा के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए परिचर्चा का भी आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको विषय चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि विगत 2 सालों में हिमालयन क्षेत्र में आपदाओं का फ्रीक्वेंसी जिस प्रकार से बढ़ा है और जिस प्रकार से आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है, आपने इसको उचित तरीके से ही आज के विषय के रूप में चुना है। ये पूरा भरोसा है कि एनडीएमए का जो काम करने का तरीका है और चीजों को लॉजिकल एंड तक ले जाने की जो परंपरा है, इस विषय को भी आप और अच्छे तरीके से चर्चा भी करेंगे, इसमें से निष्कर्ष भी निकालेंगे और निष्कर्ष के आधार पर अमल हो सके इस प्रकार की कुछ योजनाएं भी बनाएंगे। आज जब हम यहाँ एनडीएमए की 17वें स्थापना दिन पर इकट्ठा आए हैं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एनडीएमए और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नाते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 17 सालों के अंदर देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया है और पूरे देश की संवेदनशीलता आपदा प्रबंधन के काम के साथ जोड़ने का काम किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है।
130 करोड़ के देश के अंदर, और एक ऐसा देश जहां हर राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार के मौसम का उपस्थिति हो, ढेर सारे दुनिया, ढेर सारे पहाड़ का लंबा सागर किनारा, और वहां पर अगर संवेदनशीलता जनता की, समाज की जागरूक नहीं कर पाते और आपदा से बचने के लिए वैज्ञानिक व्यवस्थाओं का सूत्रपात नहीं कर पा सकते और वे वैज्ञानिक व्यवस्थाओं को नीचे तक स्वीकारने की मानसिकता नहीं करते तो तैयार कर पाते हैं, तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी मानव हानि का, जान हानि का, इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि का हमें तैयारी रखना पड़ा। मगर 17 साल के अंदर ढेर सारा परिवर्तन इस क्षेत्र में आया है। मित्रों, मैं बाद में बात करूंगा, आज दो नए इनिशिएटिव इस विषय पर बात करूंगा, मगर आज दो नए इनिशिएटिव होने जा रहे हैं, यहाँ पर शुरू होने, एनडीए में शुरू करने जा रहा है, इसके लिए मैं जरूर थोड़ी बात करूंगा आपका मित्र और कॉमन एलर्ट प्रोटोकॉल। आपका मित्र के लिए मैं विशेष बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एनडीएमए का काम है दुनिया भर में आपदा के जोखम को निर्णय करने के लिए जो कुछ भी रिसर्च हुई है, जो कुछ भी अच्छी प्रैक्टिसेस अमल में लाई गई, इसका स्टडी करना, इसको हमारे देश की परिस्थिति और हमारे देश की चुनौतियों के हिसाब से परिवर्तित करना, उसको एक कार्य पद्धति में ढालना और उसको लोगों के बीच में लेना। अगर हम कितनी भी मेहनत कर लें, एनडीआरएफ कितनी भी मेहनत कर ले, एसडीआरएफ कितनी भी मेहनत कर ले, सरकार बहुत अच्छी सुविधाएं को उपलब्ध करा दे, मगर कभी भी ऐसी रचना नहीं हो सकती कि आपका आने में तुरंत ही इसका रिस्पॉन्स एनडीए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एनडीएमए की गाइडलाइन कर पाए, क्योंकि कितना भी हम व्यवस्था करके पहुंचने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इतने बड़े देश के अंदर लगना बड़ा सवाल है। हम इसका जाल बुन रहे हैं, फैलाव भी कर रहे हैं, 16 घंटा 12 घंटा ले बन चुकी है, 4 और बना रहे हैं, परंतु कितना भी इसका फैलाव संभव नहीं, कुछ सेकंडों में रिस्पॉन्ड अगर आपका को करना है तो वो देश की जनता ही कर सकती है, समाज ही कर सकता है और गांव गांव में ट्रेन आपका मित्र है। इसलिए ये आपका मित्र का जो कंसेप्ट है, मैं मानता हूं बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जनता को तैयार करना, जनता के अंदर जिन लोगों में आपदा के खिलाफ लड़ने का जज्बा है, दूसरों के लिए काम करने का जज्बा है, अपनी जात को, अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज के लोगों को बचाने का जज्बा है, उनको एकत्रित करना, उनका स्किल अपग्रेडेशन करना, उनको सारे प्रोटोकॉल से अवगत कराना, और जब आपदा आए तो किसी की भी सूचना बगैर वो रिस्पॉन्ड करने की क्षमता की व्यवस्था आपदा मित्र की सहयोग से हो सके। मुझे बहुत आनंद है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन 25 राज्यों में 30 बाढ़ग्रस्त जिलों में एक प्रयोगात्मक रूप से किया गया है। 5500 आपदा मित्रों को और आपदा सखियों को, महिलाओं को भी जोड़ा गया है, बाढ़ के बचाव के लिए तैयार करने का काम किया और उनका चयन भी बहुत खूबी से किया, जिनको स्वभाव में तैराकी आती है ऐसे लोगों का चयन किया गया था और बाढ़ जहां जहां पर भी आई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आज इसमें से कुछ वॉलंटियर्स वर्चुअल माध्यम से यहाँ उपस्थित है, मैं पूरी आपदा मित्र बिरादरी को सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे स्केल, 130 करोड़ की आबादी के देश के अंदर 5500 आपदा मित्र और 5500 आपदा सखी एक बहुत बड़ी संख्या नहीं, इसे हम पूरे देश को नहीं कवर कर सकते, इसलिए 350 आपदा से प्रभावित होने वाले जिलों में आपदा मित्र स्कीम को हम लागू करने जा रहे हैं। और ये शुरुआत मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण समय, अब तक 17 सालों में जो हुआ है इसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे
250 सीटों में ये व्यवस्था हो जाएगी और भारत सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय किया है कि सारे गवर्नमेंट ट्रस्ट का बीमा भी भारत सरकार लेने वाली है, जिससे कम से कम एक प्रकार की अस्वस्थता उनके मन के अंदर रहेगी, उनके परिवार के अंदर भी रहने वाली है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के साथ इस योजना के लिए एमओयू किया है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है और जो कुछ छूट गए हैं वहाँ पर भी मुझे लगता है बहुत जल्दी करना चाहिए। इसी प्रकार से मेरा ही आग्रह था, मैंने NDMA की बैठक में रिव्यू करा था, कॉमन टैलेंट प्रोटोकॉल को भी बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी चीजें NDMA में ढूंढी है, जैसे बिजली गिरने की एग्जैक्ट जगह के बिजली गिरने से 6 मिनट पहले हम एडवर्टाइज, कुछ घंटे पहले थोड़े एरिया का एडवर्टाइज, और आज भी बिजली से जाता है। हमने सीट लिहर और गर्मी की लहर के लिए कार्ययोजना बनाई, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अगर एक अर्ली वार्निंग जनरेट करने की एजेंसियां और इस प्रकार का अलर्टनेस अगर हो जाता है तो मैं मानता हूं जाने बचाई जा सकती, तो भारत में आपदा प्रबंधन का प्रवास जर्नी थोड़ी लेट ही शुरू। 1990 के दशक में इंटरनेशनल टिकट फॉर नेचुरल डिजास्टर संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया, इसको रिडक्शन करने के लिए प्रसन्न को ही घोषित किया। तब जाकर 1995 में तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना हुई और उसी विभाग के अंतर्गत शुरू। तो सब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया और संयोग से उसी वक्त मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री अटल जी के साथ भी उस वक्त उनके बरोबर याद मंत्रिपरिषद में था, ढेर सारा संवाद भी हुआ था और इसको NDMA की स्थापना करके जो जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में SBM एक्चुअल में स्वयं सेवकों को आधुनिक तकनीक से लैस व्यवस्थित प्रशिक्षण देने में काफी सहयोगी साबित होगी। ये प्रयास इस दिशा में है कि इंटीग्रेटेड तरीके से किसी भी आपदा के जोखिम को कम करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया जा सके। सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद। मैं धन्यवाद भैया।
भैया हाथ नीचे अजय प्लीज। अजय प्रियंका सोनकर, आज हम लोग को 17वीं मतलब दिवस पे कार्यक्रम रखा गया था जिसपे हम लोग को मतलब सम्मानित किया गया है, जिसमें 50 आपदा मित्रों को भी और आपदा सखियों को सम्मानित किया गया है। कितना मुश्किल होता है जहाँ बाढ़ आया था? मुश्किल बहुत होता है, हम लोग को उस हिसाब से ट्रेनिंग भी दी गई है NDRF और SDRF के माध्यम से, और मतलब हर चीज़ सिखाया गया है कैसे हमें क्या करना है, और बहुत जगह हम लोगों ने काम भी किया है, बहुत अच्छा लगता है ये करके, और हम लोग के लिए बहुत अच्छा फील्ड है ये, दूसरों को बचाना किस तरीके से उन्हें मतलब कि अवेयरनेस किया जाए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नेहा दुबे, जी सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा हमें सम्मानित किया, और फिर उन्होंने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके बारे में बताया कि उसको बस पालन करना, मतलब उसको उन्होंने तो बस लागू किया, पर NDRF SDRF और आपदा में तो उसको लागू करते हैं जो कि सबसे बड़ी बात होती है। कितना मुश्किल होता है बाढ़ के समय में काम करना? बाढ़ के समय में काम करना बहुत मुश्किल होता है, पर उससे ज़्यादा मुश्किल जो लोग वहाँ पे फंसे होते हैं उनके लिए होता है, उनके लिए हम एक आशा की किरण के रूप में कार्य करते हैं जो हमें बहुत गर्व फील होता है। सहायता के लिए हम जाते हैं, जैसे हम लोग तो मतलब वहाँ पे फील्ड में नहीं जाते हैं, हम वहाँ पे राशन वगैरह जैसे होते फूड पैकेजिंग वगैरह हम पहुंचा देते हैं, लोगों को अवेयरनेस के प्रोग्राम में हम लोग भाग लेते हैं। आज NDMA का राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने इनको संबोधित भी किया है। पूरे भारतवर्ष में जितने ऐसे जनपद हैं जहां पर आपदा मित्र हैं, जैसे UP में गोरखपुर और बलिया दो जनपद इससे जुड़े हुए थे, हमारे यहाँ 200 आपदा मित्र हैं, 20 आपदा सखी हैं, सभी लोग इस सदन में उपस्थित हैं, उन्होंने कार्यक्रम को पूरा सुना है और आगे भी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। सर सम्मानित किया गया जो हमारे आपदा मित्र हैं उनको, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको 50 लोगों को, और आपदा सखियों को हम लोगों ने अभी प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित भी किया है।